फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द स्टूडियो। तो यहाँ पे बड़ी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस है जो यहाँ पे ह्यूज रिस्पेक्ट बाय द हेड ऑफ द स्टेट। सो काइंडली लिसन करना दोस्तों वीडियो को और शेयर कर देना। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या है पूरा अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल, शेयर द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी होता है तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण है, ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। आप लोग आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फॉर्म बैंकिंग करते हैं, लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में, उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। 2014 में आप सब ने हमें सरकार में आकर के देश की सेवा करने का मौका दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद हमने इस स्थिति से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुसीबतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया। हमने सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, प्रोफेशनलिज्म पर बल दिया। हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी ना डूबे, क्योंकि बैंकों के प्रति सामान्य नागरिक का विश्वास पक्का करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि कई कोऑपरेटिव बैंक डूबने लगी थी, सामान्य मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था। और इसलिए हमने 1 लाख से उसको सीमा 5 लाख कर दी, ताकि 99% नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस मिल सके। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया,
बैंकरप्सी कोड जैसे कानून बनाए ताकि अगर कोई कंपनी किसी न किसी कारण से बंद होती है तो बैंकों को कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा, बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर ली। आज परिणाम आपके सामने है। जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए होती थी, एनपीए के लिए होती थी, आज उन बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए हो रही है। आज परिणाम आपके सामने है। जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए होती थी, एनपीए के लिए होती थी, आज उन बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए हो रही है। साथियों, भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और बैंक के प्रत्येक कर्मचारी, उनका काम पिछले 9 साल में सरकार के विजन के अनुकूल जो उन्होंने काम किया है वो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। बैंक में काम करने वाले सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों ने इतनी मेहनत की, संकट में से बैंकों को बाहर लाए, देश के अर्थतंत्र विकास में अग्रसर होकर के भूमिका निभाई, और इन बैंक कर्मचारियों ने, बैंक के लोगों ने कभी भी मुझे और मेरे विजन को न नकारा न निराश किया। मुझे याद है जब जनधन योजना शुरू हुई तो जो पुरानी सोच वाले लोग थे वो मुझे सवाल पूछते थे, गरीब के पास तो पैसे नहीं, वो बैंक खाता खोल के क्या करेगा, बैंकों पे बर्डन बढ़ जाएगा, बैंक का कर्मचारी कैसे काम करेगा, भांति भांति के निराशाएं फैलाई गई थी। लेकिन बैंक के मेरे साथियों ने गरीब का जनधन खाता खुले इसके लिए दिन रात एक कर दिया। झुग्गी झोपड़ी में जाते थे बैंक के कर्मचारी, लोगों के बैंक के खाते खुलवाते थे। अगर आज देश में करीब 50 करोड़ जनधन बैंक खाते खुले हैं तो इसके पीछे बैंक में काम करने वाले हमारे कर्मियों का परिश्रम है, उनका सेवा भाव है। ये बैंक कर्मियों की मेहनत है जिसकी वजह से सरकार कोरोना काल में करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाई।